लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता में मंडल क्रिकेट एसोसिएशन और लखनऊ के बीच मैच खेला गया। इस दौरान लखनऊ टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया तथा पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ के दोनों सलामी बल्लेबाज केवल 43 रनों पर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद अंश यादव ने 122 और फराज ने शानदार 74 रन की बल्लेबाजी करते हुए तीसरे विकेट के लिए 222 रनों की नाबाद साझेदारी के बदौलत लखनऊ के निर्धारित 40 ओवरों में दो विकेट के नुकसान पर 242 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। वहीं लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी लखनऊ के बॉलर अभिषेक चौधरी और हैदर मिर्जा ने एक एक विकेट लिया तथा जवाब में लक्ष्य क्रिकेट एकेडमी की पूरी टीम अंश यादव की गेंदबाजी से 4 विकेट के नुकसान पर 37वें ओवर में 241 रनों पर सिमट कर रह गई। आपको बता दें कि लक्ष्य की तरफ से हैदर मिर्जा ने सर्वाधिक 33 रन, सिद्धार्थ ने 39 और उत्कर्ष ने 20, भरत और वासु ने 25 और 27 रनों का योगदान दिया। वहीं लखनऊ टीम के अंश यादव ने 4 विकेट, कृतज्ञ और तुषार ने 2-2 विकेट, दर्शित और प्रियांशु ने 1-1 विकेट लिया तथा इस मैच के मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मुख्य अतिथि उप मुख्य इंजीनियर गोरखपुर क्षेत्र के रविंद्र मेहरा के द्वारा लखनऊ के अंश यादव को ट्रॉफी और नगद राशि प्रदान किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर त्रिलोक रंजन, शफीक अहमद, डॉक्टर मनव्वर, डॉक्टर मुदित गुप्ता, यशवीर सिन्हा, शफीक अहमद सिद्दीकी, प्रेम शाही, हसन नदीम, पंकज मिश्रा, सुरेश राय, गुलाम साबिर, अजय दुबे, तारिक सिद्दीकी, प्रतीक सिन्हा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ये सेकंड लिमिट